अस्सलाम वालेकुम सर, ओवरऑल सर तब लोग की जनाब ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है ये सब आप काउंटिंग के बाद पता चलेगा, अदरवाइज तो अंदाजा ही होगा, लेकिन तो काफ़ी नहीं सर। 2014 के मुकाबले में ज़्यादा होगा कम होगा ये बायकॉट कर दिया सर। ओवरऑल इंतजाम से आप सेटिस्फाई रहे? ओवरऑल पीसफुल रहे हैं, देख रहे हैं बाय इंतजार सिवाय जो चंद दिन पहले एक दिन पहले बलोचिस्तान का वाक्य आज तो वक्त नहीं बढ़ाएगा रिजल्ट हमारी तो ख्वाहिश है शुरू कर दें 6 बजे से। कोई बड़ी शिकायत कोई बड़ा वाक्य नहीं, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आती हैं, ये इलेक्शन छोटा तो नहीं है ना, काफ़ी बड़ा इलेक्शन सर। वक्त नहीं बढ़ाया जो भी आई हैं उनको एड्रेस किया, वक्त नहीं बढ़ाने वक्त की जरूरत नहीं थी, टर्नआउट कम था, जहाँ पे पोलिंग लेट शुरू हुई है जितनी लेट हुई है इतना वक्त बढ़ाया गया, अदरवाइज वक्त की जरूरत हो तो बढ़ा दिया जाता है, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर हो हम वो वोट डाल सकते। 3-4 सियासी जमातों ने रिक्वेस्ट की थी कि वक्त बढ़ाया गया। अच्छा, उनकी कोई जस्टिफाइड शिकायत हो या रिक्वेस्ट हो तो फिर जरूर बढ़ा। हमने देखना है वोटर्स जो हैं वो अगर वहाँ पे मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन से बाहर तो हर सूरत वक्त बढ़ाना चाहिए, जो अंदर थे वो वोट पोल कर सकते हैं, अगर बाहर नहीं है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये भी कोशिश होती है कि रोशनी में जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस है प्रॉब्लम है वहाँ पर हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए।